मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, सारे नॉर्थ इंडियन लोगों से जो नॉर्थ में रह भी रहे हैं, आप लोग रह कैसे रहे हो? मेरे को तो नहीं रहा जाता बेटू, तो मजे कर रहे हैं एकदम। स्विमिंग पूल बना पड़ा है, पानी रुक गया है, ये कहीं नाली रुक रही है, निकल जगह ही नहीं है निकलने। बारिश हो रही है, मैं उतारना नीचे से। ऐसी नहीं हो रही है सर, देखे वहाँ भरा पड़ा था पानी उधर। ये एरिया बड़ा सुंदर लगने लगा। कहाँ बन रहा मेट्रो? हमें कितनी गर्मी है यहाँ पे, बिगड़ गर्मी है, मर गए इस घर के। घर आ गए, खूब अच्छी गर्मी है यहाँ पे। हालांकि बारिश तो हुई है बट फिर भी गर्मी बहुत है। और गर्मी है, बाथरूम में जाओ तो और गर्मी है बोल रहा है। थोड़ी देर यहाँ हवा ले ले। अम्मी यहाँ फैन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? वहाँ पे बैंगलोर से जब चली हुआ स्टेशन पे, मेरे को लग रहा है कि कुछ पहनने को मिल जाए, कुछ ऊपर ठंडी लग रही थी। और फिर ट्रेन के अंदर भी मेरे को ऐसा लगा जैसे सेम वेदर फील होता रहा, तो समझ में ही नहीं आया कि कैसा वेदर है बाहर का। फिर जब स्टेशन पे उतरे तब समझ में आया कि बड़ा बेकार मामला है, जबकि यहाँ पे आज खूब बारिश हुई है। मौत पहन दिया, मौत मौत, ट्रेन से उतरते ही मौत हो गई मेरी। ओ भगवान, ओह, अब इस रूम में भी लग रहा है कि पता नहीं कितनी देर लगी कूलिंग होने में, इतना गर्म है ये रूम। मन करता है ये घर वाले सब फोड़वा दूं, थोड़ा खुल जाए घर, ये सब छतें खुलवा दूं। खाना क्या खाना है बब्बू? खाना एक को खाना है। जब तक ये बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं, तब तक तो हमारा चाय नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने कहा थोड़ा चाय पी लेते हैं। और गैस अभी टाइम शायद 10 हो रहा है आई थिंक, मैंने चाय बनाई है और अभी फ़िलहाल हम लोग चाय बिस्किट वगैरह खा लेंगे, फिर डायरेक्ट लंच करेंगे इस वजह से। तो गैस हम तो पियेंगे चाय और बिस्किट, थोड़ा सा थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और ये बेटू तो चले गए अपने दोस्तों के साथ खेलने। मैं सब्सक्राइबर कह रहे हैं अपनी ससुराल की, ब्लॉग जरूर बना देना, हमने ये की है ये बना देंगे। ठंडी तो नहीं है, ये फैन चल रहा है। निकाल लो जल्दी निकाल लो, निकालें कैसे, निकल ही नहीं रहा है, फंसा पड़ा है। और बस खा लेते यही दोनों जने, डिप कर करके चाय। तो गाइस अभी इस समय मैं ना अपने बैंगलोर के किस्से मम्मी से शेयर कर रही हूँ। डैडी और मैं दिन भर जो चाय वाय पीते रहते हैं ना, पूरा टाइम चाय बना बना के। और ये बीच बीच में बेटू भी परेशान करता है, मम्मा ये दे दो वो दे दो, कभी नमकीन दे दो कुछ दे दो। मम्मी हमारे सब्सक्राइबर से हेलो हाय कर लियो, बहुत दिनों से देखना चाह रहे थे। नहीं नहीं राधे राधे, आपके तो राधे राधे ही पसंद है। गाइस हम खाली कर रहे हैं अपना बैग, मम्मी ने तो ऐसे पैक करा था जैसे किसी कोई हाथी वाती जर्नी करने वाला है। ये देखिए इतनी कचौड़ियाँ दी हैं, इसमें करेले हैं, करेले तो खैर मुझे पता है उन्होंने घर के लिए ही दिए थे। इनफैक्ट पता है ये मैंने ना बाद में पॉलिथीन में करे, नहीं तो ये पूरा इसके अंदर तेल ही तेल हो जाता। कभी कभी मम्मी की लापरवाहियों से मैं परेशान हो जाता हूँ, इसमें पता नहीं क्या है, इसमें भी कुछ अचार वचार ही होगा, इसमें कुछ नमक वगैरह है, इसमें पता नहीं क्या है, इसमें ओ माय गॉड ये भी रख दी इन्होंने, ये तो मैंने निकलवा दी थी। गाइस ये मीठी वाली ना इमली की चटनी है, इसमें शायद मम्मी के बनाए हुए पेड़े हैं। कहाँ रखूँ चिकना ना हो जाए मामला, रुको अब ठीक है अब नहीं होगा चिकना। इसमें
इसमें और शायद पेड़े और कुछ मिठाई विठाई होगी। बाकी इसमें क्या है, ओ माय गॉड यार मम्मी ने क्या क्या रख दिया, सब लिक्विडी चीज़ें। ओहो, इसमें क्या रसगुल्ला है क्या है गैस, इसमें शायद गुलाब जामुन है, मरवा दिया इन्होंने तो मुझे। तो गैस मैं सारी अलमारी वगैरह सेट कर रही थी तो सोचा कि ये मम्मी की साड़ी जो भिजवाई है मेरी मम्मी ने तो उनको मैं दे देती हूँ। तो दो साड़ी मम्मी ने उनके लिए भिजवाई थी, एक तो ये सिल्क में है येलो कलर की, बिकॉज वो ज़्यादातर पूजा पाठ में पहनती हैं, और एक पर एक ये इसका कपड़ा मुझे नहीं पता क्या है, बट इसका जो पल्ला है ना मुझे बहुत पसंद आया था और ये इजिली मम्मी पहन भी लेंगी। तो मैंने दोनों को पैक कर दिया अच्छे से, उनको मैंने बुला के दे दी थी। गैस ये सारे कवर्ड मैंने खोल के छोड़े हैं, पूरा इनके अंदर ना सीलन हो रही है। मैं ना जब से आई हूँ आप लोगों से बात करने का मौका नहीं मिला मुझे, बिकॉज़ मैं जब आई थी तो सुबह घर आए थे हम लोग 6:40 पे हम लोग घर आ गए थे। फिर आके मैंने हन्नू वगैरह करी और मैं ना रात 3 बजे से जग रही थी, तो मेरे को ना बहुत थकान फील हो रही थी। नॉर्मली भी ट्रेन से जर्नी करके आओ ना तो बॉडी में ऐसा बहुत अजीब सा लगता है। फिर मैंने एक नहा के ना 1.5 घंटा सो गया पहले, तो फिर मैं उठी 9:30 बजे। उसके बाद फिर मैं तब से यही करने में लगी पड़ी हूँ, उठाने रखने, और इसमें ऊपर से जो गर्मी के आलम है ना वो तो मुझे यू ना एहसास भी नहीं है इस चीज़ का, तो था नहीं मतलब कि ऐसी गर्मी पड़ रही है। सुनती तो थी इनके मुंह से कि बहुत गर्मी है, आके पता चला कि हाँ अभी भी ना उधर जाओ ना उस तरफ तो बहुत गर्मी लग रही। फिर लगता है वापस से एसी वाले रूम में चलो, हॉल का भी एसी चल रहा है तो हॉल में तो अच्छा लग रहा है, बट मैं बेटू वाले उसमें कमरे में ही सब निकाल रही थी रख रही थी, क्योंकि कुछ सामान मेरे साथ फरीदाबाद जाएगा, कुछ मैं अपने अलमारी में छोड़ जाऊँगी, तो वही सब अभी कर दिया है मैंने। अब मैं जा रही हूँ किचन में, टाइम हो रहा है 11:30 समथिंग कुछ, देखते हैं क्या करना है, क्या काम रह गया है। बुरी हालत कैसे जी रहे हो आप लोग, कैसे रह रहे हो? तो गैस दाल चावल ही बने हैं दोपहर में आज, बिकॉज़ बेटू को दाल अरहर की पसंद है तो मैंने वही बनाई है। पहले सोचा इसको खिला देती हूँ फिर मैं और मम्मी बाद में खाएंगे। टाइम मुझे भी याद नहीं कैसा, 1 या कुछ बज रहा था, आई डोंट नो कितना टाइम हो रहा है। तो इन्हें खिला रहे हैं जनाब को पूरा टाइम, मतलब सिर्फ स्कूल छोड़ के ना इनको मुझे ही खिलाना पड़ता है, वरना ये फैलाते बहुत हैं। और ना खाते खाते इनका मन एकदम ऐसा हो जाता है कि फिर ये खाना बंद कर देता है, फिर ये कहता है मेरा पेट भर गया, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसका दिमाग बटा रहा है और मैं खिला दूँ पूरा, इसलिए मैं इसको खिलाया करती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए गाइस करेला भिंडी और अचार ले लिया है मैंने, और दाल चावल थोड़ा सा रायता मिक्स करेंगे और खाएंगे। तो गाइस देखिए अचार मेरे उंगली पे लगा हुआ है, बिकॉज़ मैंने अचार ऐसे ही निकाला था हाथों से और मुझे याद आया कि मैंने रायता लिया नहीं है, तो मैं वो लेके आई। और मम्मी यहाँ नहीं बैठी हैं, वो नीचे बैठ के खाना उनको पसंद है, मतलब ज़मीन पे बैठ के, तो वो उधर जहाँ टीवी है ना उधर उस एरिया में बैठी हैं, नीचे चटाई पे वहाँ बैठ के खा रही हैं। तो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई है ना तो ऐसे ही हुई है, घुमा घुमा के गर्दन। तो इन्जॉय कर रहे हैं अपना सबसे फेवरेट दाल चावल, आप लोगों को तो पता ही इंडियंस का शायद यही फेवरेट खाना होता है, और साथ में करेला मिल जाए तो मज़े ही मज़े। टेस्ट बताओ। गाइस ये देखिए इसके अंदर लेके आई थी, और ये देखिए कुछ तो फूट गई इसमें, और एक ये पात्रा है, इनफैक्ट इसमें भी टूट गई है। इसमें मम्मी कैसे टूटी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हिले लिखे। इसको इतना हिलने से रोका फिर भी हिलती रही। इसमें से ना फिर भी काफी हद तक 90% सही है, थोड़ी बहुत कुछ अंदर शायद टूटी है, बाकी इसमें ये थोड़ा ऐसा है ना इसलिए ये शायद इसमें टूट गई है, पर जानी तो पेट में ही है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हम भी खा लेती है, एक क्या खाएंगे अब, देखो बची नहीं कोई साबुत, ये क्या चीज है बाहर। गाइज हम जितना बैंगलोर में मम्मी से शौक में चाय बनवा के पी रहे थे ना, और डैडी के लिए बना के पी रहे थे ना, मतलब डैडी के लिए मैं ही बनाती थी फिर हम दोनों पीते थे, इतना मज़ा आता था चाय पीने में, एक माहौल बन जाता था। और यहाँ जब से आई हूँ ना चाय पीने का मन ही नहीं है, जबकि मेरे को हेडेक है लेकिन फिर भी मन नहीं है। मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, सारे नॉर्थ इंडियन लोगों से जो नॉर्थ में रह भी रहे हैं, आप लोग रह कैसे रहे हो?
मेरे को तो नहीं रहा जाता। मैं तो एक महीना अगर बैंगलोर रहे हूँ ना तो फिर यहाँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पर क्या करें अभी मजबूरी। पर हम आपसे पूछना चाहते हैं आप कैसे रह रही हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मम्मी का तो मुझे पता है कैसे रह रही हैं, इनको तो आदत है, पूरी जिंदगी निकल गई उनकी, लेकिन आप कैसे रह रहे हैं वो बताओ। कोई चीज छोड़ता है वो, हर एक चीज तोड़ देता है। ये किसी में लगा हुआ था, उसने सब अंजर पंजर अलग कर दिया, इसको अलग करके ऐसे करके चलाता है। तो अभी मेरे को जो हेडेक है ना उसका कोई इलाज बताइए जो बिना चाय पिए दूर हो सके, क्योंकि इस गर्मी में मेरे से तो नहीं पी जा रही। मम्मी ने मेरे को बोला हॉट कॉफी बना लो, मैंने कहा उससे तो बेटर फिर मैं चाय पी लूंगा। मैं घर से तुलसी भी लेके आई हूँ बैंगलोर से, इतनी तुलसी, और मम्मी ने काफी सारा कड़ी पत्ता भी दिया था। जाकर ना फरीदाबाद में खूब दिन उपमा बना के खाऊंगी, और इडली और चटनी में यूज करने के लिए अच्छा रहेगा मेरे लिए। हालांकि यहाँ भी मिलता है, मम्मी की सोसाइटी में एक आंटी है उनके घर पे ये कड़ी पत्ते का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन उसमें है बात, बट वो बात नहीं है जो वहां रहती है। मम्मी ने इस बार मेरे को पता है क्या, कम से कम 2 बार बना के डोसा खिलाया और कम से कम 5 या 6 बार इडली खिलाई है। बहुत, क्योंकि बेटू को और मुझे दोनों को पसंद है। वेरी खस्ता ब्रो, ये खस्ते की वजह से तो टूट गई मम्मी, पतली हो गई है ना ज्यादा। पतली तो मैंने खुद करी है जानबूझकर, पर ये नहीं बताता ना सफर में टूट जाएंगी, ये ऐसा 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 होता रहा होगा। हाँ ऐसे आपसे मिले लेकिन तभी तो ये नीचे बैठी हुई जम गई है एकदम, ऐसे थोड़ा टूट के मरी हुई एकदम। बेटू दोस्तों को लेके पक्का आ रहे हैं अंदर, यहाँ सोफे पे कूदेंगे, बाहर नहीं खेला जाता है।